तो दोस्तों अब यहाँ पर नोकिया मोबाइल चाहता है कि वो इंडिया के भीतर ही बना ले अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। दरअसल रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान सन मिच जो कि HMD ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है, तो जब उन्हें पूछा गया कि 2021 में उनके क्या प्लान्स होने वाले हैं इन इंडिया, तब उन्होंने कहा कि 2020 डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टफ ईयर रहा है हम सभी के लिए। हमें यहाँ पर लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, शिपमेंट प्रॉब्लम ये सारी देखने मिली है, लेकिन Q4 आते आते यहाँ पर जो शिपमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है और नोकिया 5.3 को भी काफी बेहतरीन ढंग से वेलकम किया गया है इनसाइड इंडिया। भले ही यहाँ पर अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स के नाम पर चाइनीज ब्रांड्स का काफी ज्यादा दबदबा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर हमारी कंपनी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और अगर इसे ठीक ढंग से हमने गवर्न किया आने वाले समय में तो डेफिनेटली इसे और ज्यादा बेहतरीन किया जा सकता है। सन्मित आगे कहते हैं कि हम पूरी तरह से 100% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का हमारा एक काफी स्ट्रांग कमिटमेंट है। यहाँ पर बता दें कि नोकिया मोबाइल्स ऑलरेडी अपने डिवाइसेस को 100% इंडिया के भीतर ही मैन्युफैक्चर कर रही है। इनके काफी ज्यादा मल्टीपल पार्टनर्स भी है लोकली एज वेल एज फॉरिन, जैसे कि ताइवानी फॉक्सकॉन, और क्योंकि इस ताइवानी फॉक्सकॉन की भी कंपनी चेन्नई में है तो एक काफी बेहतरीन सप्लाई चेन नेटवर्क यहाँ पर बिल्ट हो चुका है और आने वाले समय में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये इंडियन पार्टनर्स के साथ कोलैब करके यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग स्केल को और ज्यादा बढ़ा देंगे। साथ ही में ये अपने ट्रांसपोर्टेशन को भी इम्प्रूव करेंगे, ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को भी फैला देंगे पूरे इंडिया में ऑल ओवर। और करेंटली अगर हम देखें तो इनके तो लगभग 700 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स मौजूद है फिलहाल। कंपनी ने यह भी मेंशन किया कि वो जल्द ही इंडियन मार्केट्स के लिए कस्टमाइज स्मार्टफोन्स का भी ऑप्शन लाएंगे और 2021 इसी साल के भीतर ही ये 5G अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स को भी लॉन्च करेंगे। वैसे देखा जाए तो नोकिया एक काफी ज्यादा स्ट्रांग ब्रांड है, बस इसे अपने रेपुटेशन को और ज्यादा बिल्ड करने के लिए इसमें इन्वेस्ट करना है और इसे ये अचीव कर पाएंगे बाय मेकिंग ड्यूरेबल गुड क्वालिटी स्मार्टफोन्स और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स, जिससे ये चाइनीज कंपनीज के साथ भी कम्पीट कर पाएंगे।